सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है आजादी सेल 12 से 15 अगस्त, जहां आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और एक अनमोल मौका एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस जीतने का। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेल आपके लिए। चलिए देश को आगे बढ़ाते हैं, अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। 12 से 13 अगस्त ईयरली टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹399 में। हेलो एवरीवन, होप आप सभी की सीएसआर नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आता है, एंड दैट वाज ज़ीमन इफेक्ट। सो ज़ीमन इफेक्ट का जो ट्रिक रहेगा टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन इस पर बेस्ड सीएसआर नेट में भी आता है, गेट फिजिक्स एग्जाम में भी आया हुआ है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उनमें भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। ओके, एंड इन दैट केस ज़ीमन कंपोनेंट्स आपसे जो है वो पूछ सकता है। नाउ हाउ विल यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स, दिस वी विल लर्न बाय यूजिंग ए ट्रिक, बट बिफोर दैट हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन एक बार कवर करते हैं कि ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है और इसमें सिलेक्शन रूल क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए एनर्जी लेवल्स हम लोग जानते हैं कि किसी एटम का डिस्क्रीट होता है, ये आप क्वांटम फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो पोटेंशियल है जब हम लोग इंटरेक्शन करवाते हैं ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स और दी हमारे पास में जो लेटिस आयंस है उनके साथ में, या फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके साथ में, तो दैट वाज द कुलाम्बिक इंटरेक्शन। और कुलाम्बिक इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंगली जब आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर इज एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट है। लेकिन फर्दर ये एनर्जी लेवल्स भी स्प्लिट हो सकते हैं अगर हम लोग एक्सटर्नली मैग्नेटिक या फिर स्ट्रॉन्ग हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ज़ीमन इफेक्ट में क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आप वीक अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जब हमारे पास में ये एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वीक मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। नाउ ज़ीमन इफेक्ट अब दो टाइप का हो सकता है, एक है नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट एंड द अदर इज एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास थ्री डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर स्प्लिट होती है, ठीक है, थ्री डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में बताइए कि टोटल ज़ीमन कंपोनेंट्स कितने दिखेंगे या टोटल ज़ीमन लाइंस आपको कितनी नजर आने वाली है, तो आप कहेंगे कि हमें थ्री डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो नजर आएंगी, ठीक है, और ज़ीमन कंपोनेंट्स निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग बाद में बात करेंगे। एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में मोर देन थ्री वेवलेंथ आपको नजर आती है, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ जब हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया उस समय ऑब्जर्व होगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो मोर देन थ्री वेवलेंथ के अंदर वो स्प्लिट हो जाती है। एनर्जी लेवल्स जो यहां स्प्लिट होने वाले हैं दैट आर टोटल 2J+1 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे एटम को तो देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा जे, ठीक है, वो हमारे पास में इंटरेक्शन करेगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होंगे, और एनर्जी लेवल्स जो टोटल स्प्लिट हो रहे हैं दैट वाज टोटल 2J+1 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद है कि जैसे हमने स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो शो कर दिया, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस शो करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है, पहले एनर्जी लेवल्स बनाएंगे आप लोग स्प्लिट करवा करके और फिर उसके बाद आप ट्रांजिशंस करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आने वाली है। तो स्पेक्ट्रल लाइन जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से देखें कि सिलेक्शन रूल जो है वो ओबे हो रहा होना चाहिए। सिलेक्शन रूल सेज कि जो डेल्टा एमजे है या डेल्टा एमएल है दैट वैल्यू इज आइदर 0, +1 और -1, यही वैल्यूज हमारे पास वैलिडेट रहेंगी। तो सिलेक्शन रूल का ध्यान रखते हुए आप ट्रांजिशंस करवाएं, ट्रांजिशंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आने वाली है व्हेन यू सी फ्रॉम द स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ में देखने पर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस ये नजर आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ट्रिक काम करती है, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रिक, एक्चुअली ट्रिक भी करेंगे साथ ही साथ सीएसआर नेट और गेट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जिनमें ज़ीमन कंपोनेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ओके, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। पहले हम ट्रिक के बारे में जानते हैं।
सो द ट्रिक सेज कि देखो दो टाइप के ज़ीमन कंपोनेंट्स हैं एज वी नो. ओके, वन इज ज़ीमन इफेक्ट विच इज ऑफ नो नॉर्मल नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट एंड अनदर इज एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट. ठीक है, अब ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल जो ज़ीमन इफेक्ट है दिस अपियर्स व्हेन देयर इज ए सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन विल टेक प्लेस. जब भी सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन होगा तो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट हमें शो होता है. अब नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में क्या होगा कि जो मल्टीप्लिसिटी है 2s plus 1 इसका वैल्यू कितना होगा 1 के इक्वल, बिकॉज s का वैल्यू 0 होता है सिंगलेट स्टेट में. ओके, सिंगलेट स्टेट में s का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए हम सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी दोनों के इसमें कितना रहना चाहिए 1 के इक्वल, एक्साइटेड स्टेट का भी और जहां पर ट्रांजिशन होकर के ग्राउंड स्टेट में आ रहा है एटम उस केस में भी मल्टीप्लिसिटी कितना होना चाहिए 1 के इक्वल. जबकि एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में ऐसा नहीं है. एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन के अलावा कोई और ट्रांजिशन हो सकता है, चाहे फिर वो डबलेट डबलेट हो, चाहे वो ट्रिपलेट ट्रिपलेट हो. ठीक है, अदर केसेस में अराइज इन द केस ऑफ एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट. तो इसकी ट्रिक अलग है नॉर्मल की और एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट की हमारे पास अलग ट्रिक है. ठीक है, तो पहला तो हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपसे ऐसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन लाइंस कितनी है. ठीक है, अगर आपको ये पूछता है कि एक वेवलेंथ कितनी डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर ब्रेक होती है तो आप कहेंगे नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में 3 वेवलेंथ नजर आएंगी. ठीक है, जबकि एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में 3 से हमें ज्यादा नजर आती है. नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में अगर हम टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स निकालना चाहेंगे देन दीज आर 3 ऑफ 2j प्लस 1. ये हमेशा रहेगा 3 ऑफ 2j प्लस 1. ये ट्रिक है हमारे पास. ठीक है, यहां j क्या है, जैसे हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो j की पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, है ना, एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग और हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए अलग. हालांकि सेम भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट हम j का वैल्यू क्या लेंगे, द लोएस्ट वन. अगर डिफरेंट हमारे पास है ना तो लोएस्ट जो वैल्यू होगी वो हम लोग यहां पर j का वैल्यू कंसिडर करेंगे. एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स एंड ज़ीमन लाइंस, 3 ऑफ 2j प्लस 1. एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में दो केस राइज हो सकते हैं, आइदर डेल्टा जे का वैल्यू 0 हो सकता है या डेल्टा जे का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. दो केस पॉसिबल है. अगर डेल्टा जे यानी चेंज इन द एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज 0 इफ देन द ट्रिक विल बी 6j प्लस 1. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे. और अगर डेल्टा जे डज नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर इस केस में हमारे पास द सेम फॉर्मूला इज द प्रीवियस 3 ऑफ 2j प्लस 1. ये हमारे पास रहेगा. ठीक है, तो देखिएगा हमेशा सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन में टोटल नंबर ऑफ ज़ीमन कंपोनेंट्स 3 ऑफ 2j प्लस 1. एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में डिपेंडिंग डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है या नहीं है, अगर 0 आता है तो 6j प्लस 1, डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो 3 ऑफ 2j प्लस 1. एंड व्हाट इज j हियर, j यहां पर लोएस्ट वैल्यू जो पॉसिबल होगी ट्रांजिशन के दौरान वो आपने यहां पर कंसिडर करना है. ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछा गया था. इसमें कहा गया है कि हमारे पास में एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन है और वो ऑब्जर्व हो रही है टू स्प्लिट इनटू 9 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. सो टोटल कंपोनेंट इसमें पहले से दिया हुआ है, तो मतलब रिवर्स क्वेश्चन पूछा है इसने. ओके, 9 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पहले ही इसने दे दिया ड्यू टू द ज़ीमन शिफ्ट की वजह से. ठीक है, अगर हमारे पास अपर स्टेट जो है एटम का 3d2 है तो लोअर स्टेट क्या हो सकता है पॉसिबल, ये आपने बताना है. अब 3d2 को आप देख करके बता सकते हैं, यहां पर 3d2 को देख करके आप ये बताइए जरा, दिस 3d2 मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 के इक्वल तो नहीं है, मल्टीप्लिसिटी इज 3 एक्चुअल हियर. ओके, तो इसका मतलब नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट नहीं है, एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है. और एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में दो ही केस बन रहे थे, या तो वैल्यू 6j प्लस 1 है या फिर हमारे पास 3 ऑफ 2j प्लस 1 है. ये दो ही केस पॉसिबल है. ठीक है, अब अगर हमारे पास 6j प्लस 1 इज इक्वल टू 9 होता है मान लो. ठीक है, आप ये केस कंसीडर कर सकते हैं कि 6j प्लस 1 इज इक्वल टू 9, देन j का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय 6, दैट मींस यहां से हमारे पास आ रहा है 4/3. तो j का वैल्यू 4/3 आ रहा है, तो वो तो मैं देखो चार ऑप्शन में से कहीं पर भी नहीं देख रहा, तो इसका मतलब 6j प्लस 1 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो नहीं है. ऑब्वियसली बात है 3 ऑफ 2j प्लस 1 कंपोनेंट्स यहां पर हो सकते हैं. दिस इज द पॉसिबल चांस.
ओके, सो दैट मींस 3 ऑफ 2j प्लस 1 को हम लोग 9 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ने पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, यहां से 2j प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 के इक्वल। सो 2j इज इक्वल टू 2 के इक्वल एंड j का वैल्यू कितना आ गया, 1 के इक्वल। ओके, सो j का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, 2, और अभी कितना है, j का वैल्यू 1 के इक्वल। सो डेल्टा j डज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा आपको कहां देखने को मिल रहा है जहां j का वैल्यू 1 है? तो j का वैल्यू आइदर 2 में ऑप्शन में है या फिर हमारे पास 3 ऑप्शन में है। अब देखो 1 और 4 ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां से तो ये बात तो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर यहां तक काम बन जाता इस ट्रिक से तो हम लोग यहां पर प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन अभी ट्रिक का यहां तक हमारे पास में काम बना जिससे हमें दो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमें मिले यहां से, अब इन दोनों में से हमें एक को यहां से हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? देखो j की वैल्यू से तो मुझसे यहां पे नहीं हो रहा ना कि j का वैल्यू जो है वो तो 1 है, उधर 2 है, तो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांजिशन करवा करके देखेंगे। अब हमारे पास और दूसरा तरीका नहीं है, ट्रांजिशन करवाना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रांजिशन करवाएंगे फिर ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं लगे तो फिर एक दूसरी ट्रिक सुनो। अब जो हमारे पास दूसरी ट्रिक है ना, जब हमारे पास दो ऑप्शन सही हो रहे हैं यहां पर, तो दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो दूसरी ट्रिक क्या कहती है, देखो कि mj का वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट लिख दें यहां पर। जैसे आप देख सकते हैं कि mj का वैल्यू तो इसके ऊपर तो निर्भर नहीं कर रहा ना, ml का वैल्यू लिखें आप, क्योंकि j का वैल्यू देख करके तो मुझे ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमिनेट कर पा रहा हूं। तो अब आप l पर आ जाइए, एनमल इज द मैन्युफैक्ट है, तो l पर आ जाइए आप लोग, ml पर। तो एक बात बताइए, डी स्टेट में l का वैल्यू कितना होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द वैल्यू ऑफ l इज एक्चुअली 2। और अगर हम लोग यहां पर जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी मान लेता हूं कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंस कि मान लेता हूं मैं थर्ड ऑप्शन यहां से सही है, तो आप बताइए कि 3p1 में l का वैल्यू कितना होता है, p स्टेट के लिए 1 होता है। सो ml का वैल्यू देखो लिखो यहां पर, ml का वैल्यू लिखेंगे, अपर स्टेट कौन सी है, अब 3d2 है, तो इसलिए लिखेंगे ml का वैल्यू -2 से लेकर के 2 तक। सो -2 -1 0 1 और 2 लिख दिया। अब यहां से इसके नीचे लिखना है आपने जो लोअर स्टेट है, तो लोअर स्टेट हमने 3p1 अज्यूम किया है ना अभी के लिए, जिसमें l का वैल्यू कितना है 1, सो ml का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 से 1, यानी कि इसके नीचे लिखेंगे -1 0 एंड 1, लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। सो अब एक सेकंड ट्रिक है, क्या ट्रिक है, देखो सभी को इस प्रकार से ट्रांजिशन करवा के दिखा दो, इस प्रकार से ट्रांजिशन करवा दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास दो वर्टिकल लाइन आ रही है ना, उसके बीच में क्रॉस लगा देना है। सो दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक क्रॉस लगा दिया, यहां दो वर्टिकल लाइन आ रही है उसके बीच में भी क्रॉस लगा दिया। अब इनको टोटल गिनो कितनी है, ये लाइंस जो मैंने लाइंस बनाई है ना, हाउ मेनी दीज लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी टोटल, 9 हो गए, और 9 कंपोनेंट्स मुझे दे रखे थे इसके अंदर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप 3f1 लेकर के चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि f जो हमारे पास स्टेट है, f जो स्टेट है उसके लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो f स्टेट के लिए l का वैल्यू हमारे पास होता है 3 के इक्वल, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखो ml का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, ये सारी वैल्यूज लिखा, फिर d स्टेट के लिए लिखेंगे तो -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। आप शो कर दें इस प्रकार से, लाइंस ड्रॉ कर दें आप, ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब जो वर्टिकल लाइंस है उनके बीच में क्रॉस लगा दें, तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस, वर्टिकल लाइंस के बीच लगाना है सिर्फ और सिर्फ। अब इनको टोटल गिने, क्या 9 के इक्वल है, नहीं, इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो एक्चुअल में रिवर्स क्वेश्चन था इसलिए आपको इतना टाइम लगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं यहां से, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, ये सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ये भी सीएसआर नेट का ही क्वेश्चन है, ओके। दिया है हमको कि स्पेक्ट्रल लाइन है एंड ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पी टू एस स्टेट दैट स्प्लिट इनटू 3 ज़ीमल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी नजर आने वाली है। सो देखो आप जा रहे हैं पी से एस में, पी से एस स्टेट में आप जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि जे का वैल्यू कितना है इनके लिए, तो जे का वैल्यू कैसे चेक करेंगे, देखो इसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा पी स्टेट के लिए 1, एस का वैल्यू कितना है 1/2 के इक्वल, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा आइदर 3/2 और 1/2, क्योंकि पी से एस जो ट्रांजिशन हो रहा है ना इस केस में स्टेट्स में, तो दैट वाज द केस ऑफ सोडियम, वो सोडियम के केस में होता है इसलिए ऐसा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एस स्टेट, एस स्टेट में एल का वैल्यू कितना है 0 है, एस का वैल्यू कितना हो गया, तो एस का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/2, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2,
ठीक है, तो स्प्लिटिंग आप कर दीजिए एमजे के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में, दिस वन इज 3/2, ओके, दिस वन इज हाफ, और यहां पर हमारे पास हो गया हाफ। ये तो जे के हिसाब से मैंने यहां पर स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो, एक ट्रांजिशन होगा 3/2 से हाफ, और एक हो रहा है हाफ से लेकर के हाफ, दो ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आने वाली। देखो, एक केस है हमारे पास 3/2 से लेकर के हाफ तक, और एक है हमारे पास में हाफ से लेकर के हाफ तक। यहां पर डेल्टा जे का जो वैल्यू है, दिस डज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर डेल्टा जे का वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है। डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस यहां पर जीरो के इक्वल है, यहां डिफरेंस वन के इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी ट्रिक क्या बताई गई थी? इसकी ट्रिक थी 3 of 2j+1, और इसकी ट्रिक थी हमारे पास में 6j+1, वेयर जे इज द लोवेस्ट वैल्यू पॉसिबल। ओके, सो 3/2 और 1/2, कौन सी वैल्यू लोवेस्ट है? 1/2। तो यहां रखेंगे, देखो 3 of 2 into j का वैल्यू हाफ एंड प्लस का 1, कितना आ गया यहां से? दिस कम्स आउट टू बी 6, ठीक है, 6 आ गया। तो यहां पर तो आ गया हमारे पास 6 लाइंस आपको नजर आने वाली है। ओके, दीज ट्रांजिशन अगर 6 लाइंस, ओके, नेक्स्ट है इसके बाद यहां जे का वैल्यू कितना है? तो यहां पर जे का वैल्यू तो हमारे पास सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। तो यहां रखेंगे, देखो 6 into half एंड प्लस का 1, दैट मीन्स 4, ठीक है। तो यहां से 6 और यहां से 4, टोटल कितनी लाइंस हो गई? 10। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन गेट फिजिक्स का है, ठीक है। सो गेट फिजिक्स में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, यहां 2 है, यहां पर 2 है, एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है, ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है यहां पर। यहां जे का वैल्यू कितना है? 3/2, और यहां जे का वैल्यू है हाफ, ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा जे जो है, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है। और अगर यहां पर डेल्टा जे जीरो नहीं है, तो आप बताइए एक बार, यहां से डेल्टा जे जीरो नहीं है तो क्या ट्रिक थी हमारे पास? द ट्रिक सेज 3 of 2j+1, ये हमारे पास ट्रिक थी। जे का वैल्यू लोवेस्ट लेना है, तो लोवेस्ट कितना है? हाफ, यहां रख दो। सो 3 of 2 into half एंड प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 6। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आ रही हैं? 6 टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी। एनईटी टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 आपने फिल कर देना था, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को करना था। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूं, देखो, जैसे कि हमारे पास में 2d से लेकर के और 2p स्टेट, ठीक है, ये आप जा रहे हैं मान लीजिए। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड, ओके, तो ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो, डी स्टेट है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, ओके, और एस का वैल्यू आप देख लीजिए यहां से, तो मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कितने के इक्वल दे रखा है मुझे? 2 के इक्वल। तो एस का वैल्यू कितना आ गया? हाफ के इक्वल। सो एस का वैल्यू हाफ है, तो जे का वैल्यू हो जाएगा l-s से लेकर के l+s तक। दैट मीन्स यहां से हो गया मेरे पास में 3/2 and 5/2। इन द सिमिलर वे, जब पी स्टेट की बात करेंगे, तो यहां जे का वैल्यू हो जाएगा 3/2 and half, ठीक है। अब जब ट्रांजिशन होगा अपर स्टेट से लोअर स्टेट में, सच दैट कि डेल्टा जे का वैल्यू हमारे पास आइदर 0, आइदर 1 और -1 हमारे पास हो सकता है, तो बताइए कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं? सो वन ट्रांजिशन पॉसिबल 5/2 से 3/2, ठीक है। 5/2 से half हो सकता है क्या? नहीं। आप देख लीजिए डेल्टा जे का वैल्यू क्या हमारे पास कितना आ रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है यहां पर? 2 के इक्वल हो गया ना, तो वो तो सिलेक्शन रूल को ओबे नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये तो मैंने 5/2 का डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं 3/2। सो 3/2 से 3/2, हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेल्टा जे जीरो आ रहा है। 3/2 से half बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सो दीज 3 केसेस आर पॉसिबल। यहां पर देखिए, डेल्टा जे डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहां डेल्टा जे जीरो है और यहां डेल्टा जे जीरो है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या था? यहां पर देखो, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सो दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 3 of 2j+1 और यहां हो जाएगा 6j+1 और यहां पर कितना हो जाएगा? 6j+1, वेयर जे इज द लोवेस्ट वन। तो देखो, जे का वैल्यू लोवेस्ट कितना है इस केस में? 3/2। यहां कितना है जे का वैल्यू? 3/2 और यहां जे का वैल्यू कितना है? हाफ। लोवेस्ट कौन सी वैल्यू है हमारे पास? हाफ, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज यहां पुट करते चले जाओ और सभी को एड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो वही आपने यहां से कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग आई एम गेटिंग, देखो 3 into 2 into 3/2 plus 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर 6 into 3/2 and plus 1, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज 6 into half and plus 1, ठीक है। अब इन सब का एक बार जो है ना सम कर लीजिए आप।
Now from here I'm getting 12. Okay. Next कितना आएगा? Next is 10. फिर इसके बाद कितना आएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 4 के इक्वल. ठीक है, दिस इज 4. ओके, कितना आ गया यहां से देख लें एक बार. द आंसर विल बी 26. तो टोटल 26 वेक्टर लाइंस आपको नजर आ रही है. ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है बेस्ड अपॉन द ज़िमन इफेक्ट. ठीक है, तो अभी देखिए, अगर आप लोग पेड कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये हमारे पास चांस है 12 से लेकर के 15 अगस्त तक का. इसमें आपको क्या ऑफर मिल रहा है? आजादी सेल के अंदर 12 से 15 अगस्त आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें 60% ऑफ आपको मिलेगा, साथ ही साथ 33% एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल रहा है. लेकिन ये एक्स्ट्रा जो आपको ऑफ मिलेगा, ये तभी आपको मिल सकता है व्हेन यू यूज द कोड विशाल के. अगर ये आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहां पर ऑफर जो है मिल सकता है, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा. और डिस्काउंट नहीं बल्कि यहां वैलिडिटी भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, वो भी 50%. ठीक है, सो देखो, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता था, लेकिन इस सेल के अकॉर्डिंगली यहां पर जो है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा इफ यू परचेज दिस. ठीक है ना, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको 6+3 यानी 9 मंथ्स का आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है. ओके, सो 60% ऑफ प्लस 33% इफ यू यूज दिस कूपन कोड. एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यहां पर 33% का इफ यू यूज दिस कोड, तो आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं. ये सेल 12th से लेकर के 15th अगस्त तक है. सो यहां पर हम लोग ऑफ करते हैं. थैंक यू, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए. इस एग्जाम को आपने अच्छे से क्रैक करना है, इसके लिए मेहनत करिए आप लोग जितना हो सके. ठीक है, और कीप प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. थैंक यू.